फिरोजाबाद में लंगड़े बाबा की बगीचे के निकट रामलीला ग्राउंड में सर्व समाज के लोगों, भक्तों व धर्म प्रेमियों ने के साथ हुई बैठक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और परिसर के रखरखाव, सौंदर्यीकरण व स्वच्छता पर चर्चा की गई, जिसमें सभी अनुयायियों ने नए नए पौधों को लगाने, अखाड़े की चारों ओर तार व बैरिकेडिंग करने, शिवलिंग के चारों ओर बाउंड्री पर पलस्तर कराने, वहां बने कमरे की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी सेवायत व अन्य लोगों द्वारा ली गई। और फिर सबसे गंभीर विषय अवैध कब्जे को लेकर अमित कुमार रावत सिंघी द्वारा बगीचे के मुख्य द्वार पर बने प्याऊ और लोहे के गेट को तोड़कर अवैध कब्जा करने की नियत से हार के भीतर लोहे के चार पिलर भू माफिया व उसके गुर्गों द्वारा लगवाने का विरोध किया गया, जिसका सभी ने समर्थन करते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। काली धाम के पुजारी पप्पू पंडित जी द्वारा इसी मुद्दे को बल देकर दोहराया कि वह पुलिस को रोज प्याऊ और गेट लगवाने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस कल दिलवाएंगे कहकर टाल देती है। इसी क्रम में सेवायत लोकदीप यादव ने कहा कि उनके द्वारा 21 मार्च 2019 को पहला प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया था, कोई सुनवाई नहीं हुई, इससे माफियाओं का हौसला बढ़ गया है और बगीचे में आने वाले लोगों को धमकाने एवं गाली गलौज करने लगा है। परेशान होकर जिलाधिकारी एवं SSP, CO और अंत में DIG तक को प्रार्थना पत्र दे दिए गए हैं। पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बगीचे का गेट और प्याऊ दोबारा बनवा कर लगवाएंगे और भूमाफियाओं को मुकदमा लिखकर जेल भेजेंगे। बैठक में काली धाम पुजारी पप्पू पंडित, लंका बगीचे प्रभारी आसू पंडित राम निवास, पंडित तजी लोकदीप, अमित रावत, मुकेश जी संघी, आदेश कुमार, सुरेश राठौर, टीटू अग्रवाल, रिक्की राज, वाल्मीक, अजीत लहरी, रजत यादव, आशीष यादव, बंटी यादव, बंगाली डॉक्टर साहब आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट। नाम लोकदीप है जी। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ सेवायत हूँ, कार्यपालक हूँ बगीची का सन 2002 से, और इस बैठक का उद्देश्य इस बगीची का सौंदर्यीकरण, रखरखाव और रक्षा और सुरक्षा का उद्देश्य है इस बैठक को रखने का। और हम लोगों की शासन से, प्रशासन से और ख़ासकर पुलिस से ये मांग है कि ये बगीची पे जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, 21 मार्च को होली की रात को जो प्याऊ तोड़ी, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि DIG, SP, DM, CO सिटी सबको मैं अपने हाथ से ले जाके हाथ से प्रार्थना पत्र दिया हूँ और मुझसे आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, मुकदमा भी पंजीकृत करेंगे और जो भूमाफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन उचित कार्रवाई तो छोड़िए, भूमाफिया ये चैलेंज दे रहा है कि मुझसे कोई गेट वापस नहीं ले सकता। तो मेरा यही अनुरोध है कि मैं इस बगीची का और मेरे सहयोगी जो यहाँ उपस्थित आए हुए हैं, जो यहाँ पे पेड़ पौधों की, अखाड़ों की, शिवलिंग की, गोरखनाथ जी के धूना या समाधियाँ उपस्थित हैं, उनकी हम सौंदर्यीकरण, रक्षा, सुरक्षा कर रहे हैं, तो पुलिस इतना साथ तो दे कम से कम हमारा कि जो हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं भूमाफिया के खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई करें, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पे बैठने में असुरक्षा की भावना ना हो और हम लोग यहाँ आराम से बैठ के और व्यायाम कर सकें और यहाँ पे अच्छे भविष्य की कल्पना कर